देखे तो अरे भैया ठाणे बैठे चैन नहीं पड़ रहा, ठाणे बैठे चैन नहीं पड़ रहा हुआ। मतलब नो तपा नहीं लगे अब इस साल, नो तपा नहीं लगे। ये सो तपरा रे मुंह शरीर, ये सो तपरा अंगरा सो तपरा पूरा शरीर अंगरा सो। लेकिन देख देख तो घर चैन नहीं पड़ रहा, मैं तो सुन खेत को दूंगा कड़े आओ। तो घर ससरी मासी अलग से काटती, मच्छा अलग से काटा, मैं तो भाई साहब तू भी तैयार घर तो वो नीचे न पड़ रही अकेले अक बकाई लग रही पूरे घर में अक बकाई। तो पर वहां से नीम के छारे में और आराम कर रहा हूँ, कहे चारो बंदो भूसा बंदो में सब कर लो, सो मैं आराम कर रहा हूँ। अब कहे मैं होती हकाई है सो दे देखो टेम का करा था। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम फो। लल्ले ओ लल्ले। हाँ 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 भाई उठे तो पारी हो। अरे तो देखिए भैया मैं तो नहीं कड़ा आओ खेत को दाऊ है, मेरे घड़े कौन ठाड़ा बैठे चेना पर रही। ओ लड़का का और लड़का अपना लड़का तो भैया जोन सर समय छता पर पहुंचाओ है। घर से कर रहो, घर से कर रहो रे भैया, घर से कर रहो। दिखाता ही नहीं है कहूँ मैं बोल रहा चलो घर से। मुँह तो न पता का कहते रहा था कि मोबाइल पक्को देख रहा दिन रात, मोबाइल भाई देख रहा हूँ कर रहा कौन काम न। तो देखिए एक टुकड़ा टाल रहा जो सब छोटा पोगा मुँह लगा तो इतना पड़ा कि बिल्कुल मिला नहीं को एयर ऑफ की कहाँ जो पड़ा है इतना पड़ा तू। अच्छा तुम आओ आओ पुस्तू आओ पुस्तू हाँ पढ़ा भैया भैया कहूँ तो होता ही है। देखिए हाँ और रानी पुस्तु में ऐसा है कि ना ऐसा कहूँ बाइयात फिर आता है पुस्तु तो एक लोग मला घबा को मगजाम है नहीं। अरे वो तो ये ना पढ़ा और टूकटा समय समय पे काम का है सब का हाँ का देखिए वो तो है भैन रानी हम तो जो कह रहे कि लाया का होता पुस्तु कैसे हो गए। हाँ भैंस यहाँ चला अभी यार किताब ले कर यार अपनी अपनी देखिए भैया ले या हो दे ले। हाँ मैं तो ऐसा यही से ऐसा करो तो मैं कि मैं अपने बीरंधा में इस साल छताया पर पहुंचवा दूं। मैं सोचो मैं नहीं डरा देखी दो तीन साल से। मैंने कहा इसके ढंग को पढ़ने लिखने लगे मैं तो देखिए भज्जे से बेचारा बना तो इस साल तमाम पुस्सू हमारा बीरंधा होता संगे रह ले है। देखिए जैसे साज संगत में रात ला करके ढंग साजे हुए हैं। अब मैं तो इसे नहीं पहुंचा हुए कि मां हुए तो पढ़ा रात अच्छा ही पढ़ा तू तो हाँ का जो तो है जरूरत ही नहीं हुए जावे की छता हाँ वह होशियार है और होशियार है। हाँ हमने है नहीं भगवान साहब। हाँ मैं तो जो वक्त मन में सोच रहा कि लायका होता पुस्सु कैसे हुए नाम ही लायका इतना उमदा लायका इतना उमदा लायका भगवान साहब है ही क्या है। हाँ है अकेले मुंह तो अपने बीजन में ही पड़ रहा ढंग का पता है पढ़त की पड़े एक तो अनपढ़ आदमी हम सब। हाँ पढ़त हुई है वो तो अब छता है पड़ में रात पढ़त तो हुई है। हाँ का जो तो है देखिए पढ़त तो रात में सो का पता लल्लू तो वहाँ पुस्सू ए पड़ा था कई बी अंदर के नहीं पड़ा था। अब मैं कहा बता तो भैया पड़ा तो जब मैं तो पैसा लगा मैं तो इस साल एक लेंटर की बेचवाए तो अकेले मैं लेंटर नहीं मैं डाल रहा हूँ कि मारे मैं कहीं पढ़ लिख ले भैया पढ़ लिख ले। तब पता है कोई डर देखन जा तो अब हम वहाँ पुस्सू कैसे हो ये मैं दो ही टाइम देखा। हाँ पढ़ा था पुस्सू का पढ़ा था वो तो पढ़ा था। अब ले लल्ले का पता के होते पैसे ही भैया खो थे को क्या पता हुआ है का हाँ, 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 का जो तो है देखिए मैं तो जो सोचे हैं हाँ। एक अलग का पुस्तु कैसे हुआ तो हाँ, पुस्तु तो पढ़ा थे हम पुस्तु बहुत पुस्तु तो मैं वही तो मैं कहता नहीं हूँ पुस्तु पढ़ा थे वो तो पढ़ा थे बिल्कुल दिन ना रात। हाँ मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई दो तीन तारीख रेजेंट सो खोलन चाह। हाँ 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 सो का जो है भाई पता चलो जाते रहे देख लीजिए कुछ पढ़ा रहो। हाँ हाँ अब का पता है भैया कि मैं पढ़ा अच्छा था मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ अब का पता हुआ ऐसे पैसा ना हक बर्बाद कर रहा हूँ। हाँ कि ऐसी खो उतरा हूँ ना माँ। हाँ कि मैं तो जीवा सोचा था रात मन में क्या लगा पुस्तु कैसे और हो जावे। हाँ पुस्तु कैसे हाँ मतलब देखिए बहुत सच सज्जन लगा बहुत सज्जन है पुस्तु कैसे तो लगा ही नहीं आए भैया तो अब हमें जाने हैं अब पुस्तु के लिए कामी किताबें ले जाने कहा ऐसी गर्मी में पढ़ रहा हूँ कहा छुट्टियाँ में पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। हाँ जी ले हो तो पढ़ाई की सुबह तो अलग ही पढ़ा हाँ कौन नहीं तल लूता फिर चलो लो भज्जा अम्मे इतना को आप देख तो रे उनको पुस्तु दिन रात पढ़ रहा अकेले हमारे खाई अपने मन से लग रहा हुई कि पढ़ रहा कहीं पढ़ रहा हुआ जी ले हो तो पढ़ाई की सुबह तो अलग ही पढ़ा अकेले वो तो बढ़वा कोठारे जा मैं दिन रात मोबाइल चला रहा हूँ फिर उस खाई में लग रहा अपने मन से। भगवान अब तीन चार दिन में रेजेंटा हो जा रहा हूँ गाँव को बैठना कौन हुआ जा दादा।
से लगा भी जैसी क्रीम निकल गई। हमारा दाई ऐसा है कि चाची के कैबे में तो आ जाते तो तुम भगवान हमारी मासी अच्छी बने सबरे से ज्यादा। अगर एक भी अंक कम हो तो हमारा दाई तो खुशियात बहुत ही ज्यादा। अकेले तो दिन रात अपना मोई देखा था जैसी सामान मोई देखा था जे कछुलो ही दद्दा सपार के आओ सपार के आओ पड़ा सा दिन पास रस सपार के आओ उनके पुस्तकाएं दे रहा 24 घंटा पढ़ रहा हूं। दद्दा मैं तो खुद पढ़त है ते तो पढ़त तो के दिन रात पढ़ रहा हूं। सो दद्दा हम तो खुद पढ़ाई का बेबस पुसु है बस ते तो पढ़ रहा हूं दिन रात। दिन रात नहीं तो मैं उनके पाप आए मिल गए अपने पुसु का नहीं ते में लगा हुई है बेद दिया कौन लगा बेद सब सुना उधरा तो मैं चढ़ा दे दो दिन में पड़ा से पसरे थे ना कौन काम की ना दंड की जोन सा छता पर एक टाइम कहीं तार रहा। और अरे दादा हम सब कर पढ़ाई थे काम कर तो पढ़ रहा हूँ दिन रात मेरे को पुसुआई एक बार की छिंगा चला रहा हूँ भैंस में चला रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। ऐसे दादा हम तो खुद क्या पढ़ाई ते तो पढ़ रहे तो के पूरे तेंगे सादे हैं। दादा वो पुसुआ के पापा है पता कैसे आए कि दिन ना रात भी तो अपने बिल्कुल बेटा ही की बताऊ तो रात के सोया माओ तो पढ़ा बेटा हो भैंस बेटा की बताई सब बेटा की पता है ना ते हो तो ढंग का पढ़ दो हम ना बता दे बेटा की तो बेटा की उनको पुसु ऐसा जा हम हमारा के तलो ही पढ़ पाई अभी ते नहीं पढ़ पाई था उनको बाप लग रहा बता तो ये तो भानता ही आपने बेटा ही सब बताऊ तो रात के हमारा बेटा तो पढ़ा था बेटा पढ़ा तो ही जब तो बताओ कौन लग रहा बता थे तो दादा फिर मैं तो जाता हूँ आउट ऑफ है तनक दिए में अपने मन से कौन लगाता है इन्हें। का लल्ले हाँ दाजू राम 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 जो अकाई हाँ दाजू ऐसे कहा बैठे हो। अरे मैं तो लड़क हाँ सोच रहा हूँ 5 साल से पढ़ा मैं छतरपुर में भग गया। हाँ पैसे लगा थी और कहे पैसे कम पड़ रहेगा कम नहीं पड़ेगा मैंने कही कि पढ़ो लिखो करे सो सब गुस्सा के भग गया मुँह से। हाँ पढ़ा चला सो कर रिजल्ट आऊँ क्या हो रिजल्ट आने हाँ मिले थे यार मैंने भग गया सो बेकार थे कि रिजल्ट आने चाहिए 2-3 तारीख लोग खोल लें। हाँ मैं तक यहाँ हो के वहाँ तक यहाँ हो रिजल्ट क्या सो पढ़ा रहा हूँ क्या मोगन पतवा तो रिजल्ट को हाँ केस कितना आया ने हाओ फिर हम आठ है ना ने वो बताई अरे हाँ देख लियो हाओ देखियो उनका पुस्तु हो तो असार में उठना हो तो सावन में बस एक ही महीना को ना कमाया और बिरंदा भाई तो भादो में हो तो संगीत पढ़ रही है वो काय कौन हाओ सुठे ना बोलो के पापा मोर रेल तहां से मैंने कही हाओ हाओ मो तो सख है हाओ के काम 98 लो 99 बना दे मासी हाओ कहा है के कुल पड़त रात मुँह 24 घंटा पड़ते ही पड़ा दिखा हाओ पड़त रात जो है देखो ये जो है हेमो सख है और मुँह लगा थे 99 तो बना ही हाओ का देखिए भैया देखिए जो कछु ऐसे है तो सब मासी टच जा है हमारा मासी की पूछ पूछ हो वही तो है था ढंग की लेन ली को ढंग के ब्याह हो वही तो पढ़ाई की लेन ली ऐसा मासी ने पे 36 बनी सो का होत है वही तो फिर अब फिर कहा उन्होंने के ये सही जा ना पढ़ो ना लिखो तो देखिए दाजू मौत बंदा जो कह रहा हो कि जिंदगी में जो कछु है सो मासी का ही है। हाँ वो तो है ही है हम तो पहले बताई अकेले अपने मन से बीजन में नहीं लग रहा है उन्हीं बना रहा हूँ मासी थे मेरे पन्ने तो हम और ठेना तो तय लगाए दम ठेना तो तुम कह नहीं गए कि 98 हाँ 99 लो और कहा देखिए दाजू है दाजू मेरे जो कहा हाँ ये पढ़ाई होवे तो मार्कशीट की होवे बस नंदा सीधी पे पढ़ाई ठप करो पढ़ाई ठप करो जब मार्कशीट नहीं मानने तो फिर का करने हाँ वो कह दी कि पढ़ाई से जरूरी तो है मार्कशीट को नंबर नंबर सब ने पूछ खूंट हो जब भी अंक जब जोड़ा हाँ वो कहे जब ही अंक तनाज छो कहा हम उठे ना को मो पूरो पतो है हाँ के कम से 98-99 मार्कशीट बना है हाँ देखी वो तो है भैया वो तो है दाजू तो है तोर गया मैं इतना समझा तोर गया मन ढेले यार मोर इसे ढेले यार है ना तो कहूं पढ़ाई लिखाई बता ले बता उन्हें आज मुझे चला चाहे चाहे लेके मुआ क्या था इंटेलिजेंट खोलने ता ऊ सोया सोनी का तब मोला पढ़ते ही नहीं कहा पैसा बार खोल मैं का बता दे भैया मैं का बता सरदार पुण में नहीं पढ़ा तू हां मैं तो 5 साल से मैं नहीं हम तो कई हाओ तुम्हारा ऊ बीएन की मार्कशीट ना माने तुम तो सीधे खेती के साई में लगाओ
काका देखिए वो तो है दादी, वो तो है देखिए और मासी ने मने तो फिर का काम का काम की का यहां पढ़ा का यहां पढ़ाता है दादी पैसा वाला तो रहते ने तब फिर तना ठेना किताबें ले आती हां हां और ठेना का तना के मोर पेप्सी पीने दी हां वो दुकान को दकड़या तो फिर तना तुम बगल पे ही रखी है मैं ही ले पढ़ा थे जो टू है मैं करे ले पहले पांच की हां वो का देखिए राम 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 चलाई से था हाँ चलो दादी चलो जब तुम गांव भा सुना सुना जा रहा गांव भा सुना सुना जा रहा मुआ ठिन्ना पढ़ रहा मुआ पुस्तु पढ़ रहा कहने अगर हम वाला कहता ना पढ़ा तो मैं ना गांव में सफा सुना तो और मार्कशीट तो आज नहीं है बहुत जरूरी मार्कशीट ही तो से हो सब कछु मार्कशीट से हाँ चल के मार्कशीट ही तो पूछा तो अच्छी बना यो मोई मासी भाई दे पुस्सू अनके दब पुस्सू अनके पापा हर है मा ददा हम बता दे उनकी ज्यादा बन गई ना बिल्कुल तो फिर बहुत ही बा हो जे हम ददा तो आएगा ये परसेंट बन जाए उनकी ज्यादा था बहुत ही बा करे जो बाजू माने कमाई है बन जा सब सब से ज्यादा जीते कब आ गए जी भगवान हमारे घर बस ना पहुंच जा ददा लो ना बता दे दद्दा का है बहन का दाजू आगो तो फिर लागन को रिजल्ट रिजल्ट तो अच्छा अच्छा हाँ तो इलाका कितनी मानी पोस्टपेन की वो पुस्तु की 98 बनी 98 98 चल सही है और मोई ठेना की बनी 96 96 हाँ तो एक आध दो में कछु नहीं होता हाँ एक आध दो में अब वो यहाँ सब मरसा बन के यहाँ तक गलती हो जा हाँ है क्या नहीं अभी वो की नहीं कितनी बनी वो भी बंद की वो तो छतरपुर में पढ़ा था छतरपुर में पढ़ा था वो हमारा ठे नहीं तो बताओ तू के 90 बनी आओ तू तू खुद बताओ तो हम आओ 90 90 कौन ज्यादा मानी अरे ता तो चलू के दद्दा लो चले ता मजा आ जाले आई आओ दद्दा ता मां समझा दे आओ आओ ऊ को दद्दा यहां सोआ है आओ ये अगर सुन ले है कि इतनी बनी हमारा ऊ की बीरंद की मां सीट काम तो रोटियां दे खावे एक महीना रोटी ना दे राम दी आओ वही तो मैं कहता हूं चल तो तै मां दद्दा चल मजा ले भैया हां 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 चलो जी काम हुए है तो नहीं जान लगे हैं मूला इनके लायक की मां सीट बन गई मूला हुए है अजी जात है मुंह जाने अब घर जब लो भी निकल रही है एक तो जो लल्ले थे सूखता है का लल्ले ओ लल्ले ओ लल्ले सोते सोते उठे अरे मोर भैया आंख लग गई थी आंख तुम्हारी तो हो गई जिंदगी बर्बाद तो इलाका कहा तो आज बिल्कुल सत्यानाश का डाल पूरा आओ आओ सही बात है पूरे पेपर में राय लिख दे जीतू खरेगी पूरे पेपर में राय लिख दे जीतू खरेगी आओ आओ है क्या नहीं लिखा नहीं लिखा नहीं आज रेजेंट खोलने तो नहीं रेजेंट खोल गाओ खोल ले वही तो खोला गाओ है अब मुझे पता ही है कि तो फैला ही करो हो गए सो फैला ही सवा ते का इतनी बनी तो फैला ही सवा हम मन से फैला ही गया तो हाओ हाओ उसको कितनी बनी तुम्हारे का वहां पुस्तु की तो बनी 98 और हमारा ठेना की बनी 96 ठेना की बनी है 96 तोरे भज्जर एक टकरी पे है दो इलाका एक टकरी पे हाओ और तुम्हारे की उठेना बताओ तो हम हाओ कि तुम्हारा लगा की बनी 90 90 बनी 90 में का हो हाओ 90 में का ये सही तो पढ़ो ही ना ए राजू के ने कोल्ले मां कोल्ले है ले कोल्ले ता बढ़िया लो है के नहीं कोल्ले ता लग गए नो भी है 96 वाले पे यहां सो काल के ऊपर खेती करा हाओ हाओ रोटी लो आते ओ तेरे रपाई के बार बात का छतार पर में हमारे गांव में पड़ा गांव अपना बड़ो मार सा पड़ा हमारे 98-96 मार रहा तुम और छतार पर पैसा खोल 90 इसे सही तो पढ़ाओ ही ना फैला ही सी गया बात हो फैला ही सो आ है तो फैला ही गया ओ भाई तो मैं हम कर रो लगा थे सो भैया हम जाई थे तो काम भी लो आज मुंह लग रहा एक पाछन वो कर रो ही लग रहा मैं पूरा समझ ना पूरा समझ में आ गया देख तो ये पूरी साल पैसा बर्बाद कर रहे हो रे मां आखिर पता 90 बनी है बस था देख तो ये पुस्तु घर और ठन ना रे हाओ हाओ देख काम करत रहा पढ़त रहा हाओ बे काम समाज रहा भैंसियां उन्हें चढ़ा दे दी एक महीना हाओ भैंसियां चढ़ा उतर हाओ देख तो मुँह तो बर्बाद कर लो मुँह बर्बाद कर लो अकेले आऊंगे घरे
रोटी ही मेरे उसका मैं रोटी ही दिया देखी मुझे बर्बाद कर लो मुझे आत्महत्या पढ़ाई दाजू सही कह रहा है घर से बाहर काट दे अब मैं तो लल्लू का मई पहुंचा दे जम्मू मैं कह रहे भज्जा पूरी जिंदगी तसला डाल मैं ही पढ़ा रहा हूँ ओम पंडित का तसला डाल अरे मई पहुंचा दे अपना कब पड़ा भज्जा चलो उन्हें ना मार्कशीट कम लिया मार्कशीट कम बना रही मार्कशीट कम खून का तेज मैं उसकी खालू दे नहीं मैं खारो दे दू ससुर की खारो दे मिटवाला मिटवाला उसमें मिटवाला बेलो मिटवाला पता मां सीट नहीं मर रही उसकी गाँव भाई पुस्तु खान की देखो ये तो पढ़ा तरह के लो उसकी मार्कशीट नहीं मरी आज मैं ससुर के यहाँ का खाल हमने वो दे दी तब हम बता के होगा चलो तो लल्ले चले अरे वो कौन खेल रही है का हो रहा अच्छा अच्छा बदन तुम बताया तो नहीं आया का बताया कैसो रेजेंट एजेंट को हाँ हमारा आगन को रेजेंट कह रही अच्छा अच्छा नब्बे बन गई तुम्हारी कमा कहा बहुत बनी बहुत बनी तो तुमने दद्दा नब्बे बता दी कितनी बना दी अंठानवे का अब जितनी बनी उतना ही तो बता जितनी बनी उतना ही बता रहा बनी है बहुत बनी नब्बे चलो बढ़ गया है काते बहुत दद्दा का तो ठीक है पढ़ा पूछा तो क्या आओ अच्छा पढ़ा जो के आओ कि अच्छा पढ़ा तो आओ अच्छा पढ़ा मासी नहीं था तुमने चाचा सही कही ठीक है तो हम मैं जाता हूँ चल दादी चल आगा बड़ी कमाई करके नब्बे तो मोई बनी जी की नब्बे तोरी बनी दद्दा मैं तो खुद पढ़ा तो पढ़ा रहा इतने बिल्कुल मैं तो मूरा सा दे रहा आजकल बिना मासड़े कछु नहीं होता दादी घर काटते आयुषो दद्दा उनके तुम तो में कह लगे हो अब किसा पूछो मैं दद्दा था बे तो अपने लायक आगे बतालता ही रात सो बतावे ना कौन लग रहा बताल थे जब अंठाने बनी दद्दा फिर बन जाए मोई तो मैं कहा बनते ही बनाता जिंदगी भर हाँ सो अबे अबे मोई बन गई सो फिर ग्यारहवीं में बन जाए तो ये तो बन जाने पर ग्यारहवीं में बन जाए अकेले पढ़ा सो तो पसरू पसरू खाता ही तो रहो ऐसो दद्दा पढ़त भी तो रहो मैं ते तो इतना पढ़ा रहो कि पढ़ते ही पढ़ाता रहो सब कह तो रहो पढ़ा तो रहो अब ते तो पढ़ा रहो इतना कि दिमाग ना मुझे खराब करोगे हमारे घर से निकाल जाते हैं और दद्दा सो हम अगाए मेहनत करे भी तो मार्कशीट तो और बन जाए कह कहो तो मार्कशीट ही जरूरी है रात है मार्कशीट जरूरी ना था जिंदगी में मार्कशीट क्या सब कछु और जो अंत माँ बाप रोटी खवाओ दो से मैं खज्जो पढ़ाई के बाद हमें अपने सकल लेने खाता जी दद्दा पढ़ाई जरूरी रात लेकर मार्कशीट नहीं होती माँ ने रखा था तेरी कछु माँ ने रखा था अकेले गांव भाग की मार्कशीट वाले से कौन माँ नहीं रखा था रखा थे कम रखा तो ती पढ़ाई लेकर ज्यादा माँ ने रखा था हमें काट जाता क्यों हमें अपने मोना देखा जी जहाँ जाने उसे मर रोटी खान जाते हैं दद्दा हमें कहा क्यों अलग जी रोटी थे हमारे घर से जा हमारा घर सीधे तक कट जाओ दुष्टी कम के जान चाट ले वही जान चाट ले बता गांव भाई की मार्कशीट बन रही कि इसकी मार्कशीट नहीं बन रही क्या हम ये जिंदगी में का करेगी भगवान का करेगी जिंदगी में मैं सही मार्कशीट नहीं बनी है तो दद्दा परेशान है और मैं उतना ही परेशान हूँ अब तो कछु उपाय कर नहीं है फिर का करे नहीं था तो उपाय एक ही है फिर अब का करे तो जो ही हो पाए मैं तो लगा लेता मार
का लल्ले कैसे बैठे कैसे बैठे हो कैसे नहीं बैठो दादू कैसे नहीं बैठो वो उल्लाय का कैसे है फांसी लगा ली मैं अनुमानी हो गई देख तोरे दादू कैसी ओढ़ आई मैं कैसी ओढ़ आई और नहीं आई वो तो लगा लफड़ा तो चक्कर चलाओ चक्कर मैं का कह दू दादू मैं का कह दू तो सब ऊपर भाई की हाथ में है दादू वो तो है ऊपर भाई सही में है तुम हाथ में ऊपर भाई हम हाथ में चलो तब चला ही रोटी वोटी खा ला रोटी खा ला जब खप जाता मैं कैसे खा ला रोटी मोरे कैसे जाती रोटी कैसे खा ला रोटी आखन में झूला ला कमर आखन में लल्ले राम राम मार साहब राम राम मार साहब राम राम मैंने सुनी थी कछु अनहोनी सी हो गई है इगला स्कूल छोड़ कर भगाता हूँ मैं तुम्हारा लो मैं क्या बता दूँ मार साहब मैं क्या बता दूँ कैसी और आई और नहीं आई है जब तुम्हारी गलती यह है गाँव वाल ने खसवा हुई और पड़ा वाल ने तुमने अंदा दी थी पड़वे तो हमें पता है अकेले मैं कहा जाना मार साहब ऐसी अब की 90-98 बनी थी कहे 98 में से नहीं हो कछु नहीं 90 में से हो अपने अपना टैलेंट रात पढ़ाई देखने कैसी कह मासी नोयांगे नौकरियन में देखा ओ लल्ले हमारी बात सुनो पहले अगर तुमने अगर ऊ के बारे में कछु भी सोचो तो तना ज्ञान लगा हो तो अगर पुरा पड़ोसी के गांव केवी में लगे होते तो आज तुम्हारे बगल पे बैठो हो तो वो हर चीज नंबर से नहीं होता ना मार्कशीटन से होता बिना नंबर के बिना मार्कशीट के आदमी कछु भी कह सकता कितने आगे जा सकता ठीक है तुमने तरफ नहीं सोची ऊ के बारे में सही कह रहा मार साहब सही कह रहा मैं तो खुद जाना दिल पे का बीत रही वही हम कही थे यही से स्कूल छोड़ के तुम्हारा भगा था बिल्कुल सही कही मौत एक निवेदन हमारे साथ सबसे बिल्कुल मार्कशीट चाहे जितनी बने के बच्चा ना कहूँ खिसिया होना चाहिए बिल्कुल अरे आप तू भी कौन कम बनी थी 90 बनी थी बहुत कहा 90 पर ना लगन थी 90 अकेला हमारा लायक तो वो तो अगर आज मैं अगर आप लोग समझ तो है आज बगल पे बैठो तो ये सही मार साहब तमा के हर चीज नंबर से नहीं हो जब पूरा पड़ोसी तो केवे के लाने उससे जावे के लाने सही कह रहा तमा कह रहा मार साहब सही सही कह रहा पूरा पड़ोसी के बाल बच्चे और बेगा आया था बना दुनिया कबाऊ नहीं पूरा की यहाँ सही हो सबरी और गांव वाला ले लो कही भी है तुम पे कछु मुझे तो भरी इतने कौन गांव वाले ने कि छता पे पड़ाओ लगा कि नंबर का मासूम मैं कौन समझ पाओ हमें पहले पता है कि तुम्हारा कौन है भाद जब आओ उन्हें ऐसा करो आज यू के तुम्हारी बता लो कि दिल पे कैसी बीता थी ये आज का सोचा थी ये तुम्हारे बारे है तनक ध्यान तो रखते तुम अब कौन मार साहब कौन मैं कहा कर लो मार साहब अकेले बाप हो गई मुई पे गलती हुई मार साहब मुई पे चलो कछु नहीं है अब जो भाव सो अब भगवान तो देखता ही है और रोटी वोटी खा लाइयो हम चला ही खाता है अब हाँ मार साहब तुम स्कूल देखो हाँ मैं सब कर लू मार साहब मैं सब कर लू मार साहब मुँह तो सब वही होगा मार साहब मैं कहा सब कर लू अब तो भैया आ रहा हूँ राम 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 पहुंचे सब जना ना कैसी लगी है कहानी एकदम कछु हद तक तो रियल है सत्य घटना कैसे ऐसा होता ही रहता अक्सर और हमने सुना कि रिजल्ट आए वाला है तो मम्मी पापा जब वीडियो जल्दी से जल्दी दिखा दो जितने रिश्तेदारों सबने शेयर कर दो कैसे कि मतलब अपने अगर पास ये घटना ना हो जाए पूरा पड़ोसी तो ऐसे होता ही है यार हमें आज भी याद है दिन हम बता रहे अपने एकदम रियल स्टोरी 4 अप्रैल 2016 नौवीं को आ दो रिजल्ट अपने जो दोस्त थे परम मित्र वे वीडियो देख रहे हैं समझ गए हैं उनने करो तो टॉप और हमारा मतलब हमने टॉप नहीं करो तो हम करते ना टॉप थोड़ी कमजोर है तो हमने टॉप नहीं करो तो हम सही बता रहे उनने टॉप करो तो हम घरे या पाप हम बताओ हमारे दोस्त ने टॉप करो हम पिछड़ा यार आज भी याद है कसम से वो दिन
पापा ने इतना खिसिया होते इतना खिसिया होते इतना खिसिया तो दिया लगता है भैया। हमें मतलब आज भी डेट याद है 4 अप्रैल 2016 आओ तो नौवीं को रिजल्ट अगर जीक भी 2016 भाई हुए तो हमें झूठ बोल रहे हैं तो आप कमेंट में बताइए। तो मतलब यार हमें भी ऐसे ही लग रहा था इन्हें करो बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन पापा ने इतना खिसिया होते जिंदगी में का हुई का करो अरे मतलब का करें यार मार्केट से थोड़ी सब कुछ जो जो हमारे से कर लेगी तो जब भाई आ रहा हूं ये सो हमारा भाई कर लेनी है को तो सबसे बड़ी बात तो है कि यार मतलब मम्मी पापा इतना खुश समझो चाहिए बच्चा किसी अभी से पहले यार भाई पूरी साल मेहनत करा तो यार नहीं बनी तो नहीं बनी फेल भी होगा सो का हंगा मेहनत कर तो कोई दिक्कत नहीं है सो कमाऊ नहीं करा जिंदगी में मार्केट सब कुछ नहीं है आदमी से हमारे अपने बाल बच्चे तो राम राम वीर को शेयर सब लोग करना ताकि ऐसी घटना को के संग हो ना जावे राम राम सज्जन राम।